हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह का 6:30 बज गया है और अभी हम अंकल के रूम में आए हैं और यहाँ पे देखिए तो अंकल सुबह सुबह खाना बना रहे हैं। ये देखिए अंकल खाना बना रहे हैं। आज अंकल सीम का सब्जी बनाएंगे, आलू सीम फूलगोभी टमाटर। उधर देखिए प्याज है, आलू चढ़ा हुआ है भूनने के लिए। अंकल का सब्जी रहता है लाजवाब, रोटी भी लाजवाब। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग 10 करोड़ का बिल्डिंग बना है, इसमें 10 करोड़ लागत है। ये देखिए पाइप बिछ रहा है, इस बिल्डिंग का पर्सनल पाइप बिछ रहा है, आप देख सकते हैं इतना मोटा बिल्डिंग का पाइप, या पर्सनल बिल्डिंग का पाइप बिछ रहा है। इसमें रोड बनेगा यहाँ पे, ये पर्सनल रोड बन रहा है। चलिए इस बिल्डिंग के आपको अंदर का पार्ट दिखाते हैं, इसमें क्या 10 करोड़ में क्या क्या हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर। चलिए देखिए वहाँ पे कैसे कैसे आदमी काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इस बिल्डिंग का आपको अंदर का सामान चीज सबसे दिखाते हैं। ये देखिए इतना ऊंचा बिल्डिंग है, इसको देखने के लिए आपको सर ऊपर करके देखना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए बिल्डिंग में तो देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। 10 करोड़ का बिल्डिंग का लागत है, उससे भी प्लस होगा जैसे हमको पता है। चलिए देखिए क्या क्या बन रहा है अभी अंदर में, सब चीज़ का जानकारी आपको देंगे वीडियो के में, बने रहें। ये देखिए फ्रेंड, ये चिड़िया को रखने के लिए बन रहा है, पिंजरा बनाया जा रहा है। इसमें चिड़िया, खरगोश और भी पक्षी रहेंगी, जो अलग प्रकार की पक्षी रहेंगी। ये पूरा एक तरह से घूमने के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है, मिनी पार्क बोल सकते हैं आप इसे। पूरा गमला से सजाया जाएगा इसको, और ये चारों तरफ इसके लिए, इसमें रहने के लिए एक आदमी का घर यहाँ पर छोटा सा बनाया जाएगा। यहाँ पे ऊपर छत पे जा सकते हैं, जिसमें आप ऊपर छत पे का घूम सकते हैं, छत पे घूम करके आप मजा सकते हैं जो चिड़िया का। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बुद्ध भगवान का मूर्ति लगेगा और झरना बन रहा है ये, और यहाँ पे झरना लगेगा। चलिए आपको अंदर दिखा देते हैं। ये मेन गेट रहेगा और ये देखिए हॉल बन रहा है। ये देखिए अंदर में हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है, देख सकते हो आप कितना बड़ा हॉल है ये। ऊपर देखिए सब जगह सीलिंग लाइट लगा हुआ है, इधर लगना बाकी है। ये गेट है, चलिए आपको सीढ़ी का भी डिज़ाइन दिखाते हैं। ये यहाँ पर लिफ्ट लग रहा है, सीढ़ी अभी बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे गणेश भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, गणेश भगवान का, और सीढ़ी पे ये देखिए, और यहाँ पे डिजाइनिंग दिया गया है। यहाँ फ़ोटो लगेगा, दोनों साइड है ये देखिए। चलिए आपको और अंदर दिखा दे, सेकंड फ्लोर पे। ये अभी अपने बेसमेंट देखा था, अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलते हैं। ये देखिए मैरिज हॉल के रूप में बनाया जा रहा है ये। यहाँ पे सब पे झूमर लगेगा, जैसा हमको लग रहा है और जैसा हमको पता चला है। और ये देखिए आपको बाहर से नज़ारा दिखा देते हैं, बाहर का नज़ारा कैसा है ये दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा दिया गया है यहाँ पे, पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेत ही खेत है। चलिए आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग सारा काम बारीकी से किया गया है। फर्स्ट फ्लोर का गणेश भगवान का फोटो था और अभी भी काम चालू है सीढ़ी पे। ये देखिए सेकंड फ्लोर पे कृष्ण भगवान का, अर्जुन जी का फोटो लगा हुआ है, और सेम इसी तरह भी यहाँ पे भी जगह छोड़ा गया है टेक्सचर लगने के लिए, इससे वॉलपेपर लगेगा। आपको लेकर चलते हैं जो इनका अपना खुद का फ्लैट, खुद का घर रहेगा जिसमें ये लोग रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए पीछे का साइज है ये, और ये देखिए लकड़ी का ये बना हुआ है। ये देखिए लकड़ी का काट काट के बनाया गया, चिपका चिपका के ये लोग,
यहाँ पे, और यहाँ पे भी और कुछ फोटो लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे शीशा लगा हुआ है बालकोनी का, और यहाँ पे ये डिजाइन बनेगा अभी जो यहाँ पे सटा हुआ है। आइए आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पे मिरर लगेगा, ये देखिए गेट अभी बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे अलमारी है ये, और इसमें शीशा लगा हुआ है, सब चीज़ डेकोरेशन बन रहा है, अभी काम चालू है। ये देखिए यहाँ पे कैसा कैसा ऊपर रैक बन रहा है, ये देखिए सेलिंग देखिए दीवार देखिए, और यहाँ पे ये बेड का नज़ारा देखिए क्या मस्त है, कितना अच्छा बेड है ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। चलिए इनका बाथरूम दिखाते हैं, और आइए आपको बाहर दिखाते हैं। ये बेड में ये सब जगह गद्दा लगा हुआ है, ये जितना भी है आप देख सकते हैं सब गद्दा लगा हुआ है। और ये देखिए बाहर से इनका बेड का नज़ारा, इनके पापा का रूम है ये, आइए आपको लेकर चलते हैं। हॉल का देख लीजिए नज़र, कितना अच्छा हॉल देख सकते हैं आप, कितना अच्छा यहाँ पर टीवी हॉल बना है, यहाँ पर टीवी लगेगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए झूमर लगेगा बीच में, और कितना अच्छा डिजाइनिंग मिल रहा है, पहले देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, जब ये लाइट चालू हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। सेकेंड रूम में आते हैं, इस रूम में देखिए काम चालू है, ये देखिए बेड के पीछे कितना अच्छा डिजाइन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए अलमारी पूरा रैक बनाया गया है, और ये देखिए मिरर, क्या ही भाई लुक आया मिरर पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लुकिंग आया है मिरर पे डिजाइनिंग का, ये सारा कॉस्टली सामान लगा हुआ है सब, बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाया गया था, और ये बेड अभी बन रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सोफा लग रहा है, ये पीछे बेड का डिजाइन, ये सब गद्दा लगा हुआ। और ये मंदिर रूम है, ये देखिए अभी इसमें लाइट बरता है, अभी लाइट बन रही है, और ये मंदिर रूम बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बन रहा है पूरा, जिस दिन इस प्रोग्रेस होगा इसका भी तो आपको जरूर लेकर के आएंगे हम इसका वीडियो, लेकर चलते हैं अंदर। ये देखिए किचन बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप किचन देख सकते हैं, किचन भी कितना अच्छा लग रहा है इनका। किचन में पूरा टाइल्स लगा हुआ है, किचन से भी आप बाहर का नजारा देख सकते हैं, ये देखिए, और काम अभी चालू है, ये देखिए भैया काम कर रहे हैं, और भैया सब बढ़िया ठीक है। कितना दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा भैया? एक तारीख को फाइनल देना है बोल रहे हैं, दो तारीख को फाइनल होगा, क्योंकि एक तारीख को गृह प्रवेश है इनका, एक दो तारीख को हमको कंफर्म नहीं पता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, ये देखिए ये डिजाइनिंग दे दिए, देखिए ये सारा गद्दा लगा हुआ है पीछे में, और ये लाइट जब चालू होगा ना इस रूम का तो क्या ही लगेगा आपको, ये देखते हैं ये गद्दा यही सब लग रहा है, और यहाँ पर यह गद्दा लग चुका है पीछे में, ये देखिए बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं आप, इतना नज़ारा खुश, इतना अच्छा है ना ये, बहुत मतलब सॉफ्ट है ये सब जो आपको लग रहा है लेदर का है, बाकी सब गद्दा लगा हुआ है। इधर ये देखिए अलमारी इनका, इधर भी देखिए सब डिजाइनिंग पड़ेगा सब में, ये देखिए मिरर, कुछ भी कहिए भाई घर तो घर बन रहा है इनके। बाकी ये तो यहाँ पर जो हॉल है कुछ कहना ही नहीं। ये देखिए बाथरूम है, बाथरूम घुसने के बाद ये देखिए कितना बड़ा बाथरूम है, अभी ये बाथरूम ये भी स्विच है शायद सब कंपनी का लगा हुआ है A to Z। ऊपर देखिए कैसे लाइट लगा हुआ है बाथरूम में, ये देखिए इसमें भी काम चालू है अभी, सब में एक नंबर चीज़ लगा हुआ है भाई साहब। यहाँ पर यहाँ पर मिरर लगेगा अभी गेट के बाहर, देख सकते हैं आप इधर काम चालू है अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी देख सकते हैं लुकिंग कितना अच्छा आ रहा है, व्यू देख सकते हैं आप कितना तगड़ा व्यू है सबका।
चलिए आपको थर्ड फ्लोर पे लेकर चलते हैं। अलमारी क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सीढ़ी पे बुद्ध भगवान का फोटो लगा हुआ है और सेम चीज़ यहाँ पे भी जगह छोड़ा गया है यहाँ पे फोटो लगने का। बाकी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी बुद्ध भगवान का फोटो लगा हुआ है और ये एक हॉल बन रहा है ऊपर में, ये देखिए कम्युनिटी हॉल बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा एक तरह से देख सकते हैं आप। पूरा मकान 10 करोड़ का बन रहा है, ये सब में इसमें कॉस्टली चीज़ यूज हो रहा है, इसमें लगना बाकी है अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा आप, ऊपर छत है और ये यहाँ पे भैया काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर होगा उस दिन इसका वीडियो लाएंगे। फिर अपना रूम पे आकर के थोड़ा सा मैंने फल का एंजॉय लिया, यहाँ पर अनानास छिला जा रहा था और हमने थोड़ा देर पहले डाब खाया था, जिसे बोलते हैं बड़ा वाला संतरा बोलते हैं, उसे ये भी बोल सकते हैं, बड़ा वाला हम लोगों ने संतरा खाया था, ये देखिए ये वाला संतरा खाया था। और वहाँ पर निशांत अपना डाब छिलने में लगा हुआ था पूरा मेहनत से, उसके बाद हम लोग को भूख लगा खाना खाने के लिए। तो ये देखिए ये देखिए अच्छा एकदम स्ट्रीट स्टेरलिंग कैफ करके नाम करके ये है, और ऊपर चलिए बड़ा मज़ा। अगर आप पटना में रहते हैं और आपको चीप एंड बेस्ट भोजन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है ये, बाजार समिति मेन गेट के पास में ही है, आप आइए और यहाँ पर इंजॉय लीजिए। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छा सुविधा है, अगर आप लोग अपने पार्टनर साथ भी आना चाहते हैं तो पार्टनर साथ भी आकर अपना इंजॉय ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्लेस था, हमको बहुत अच्छा लगा, सजावट भी इसका बहुत अच्छा था ये देखिए, और खाना से खाने को परसने का भी सिस्टम तो अच्छा प्रकार से भोजन करने से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी ऑर्डर किया था चिकन बोनलेस का, ये हमारा चिकन बोनलेस आ चुका है, और ये हमने लच्छा पराठा का ऑर्डर किया था, अब इसे हम खा कर टेस्ट करेंगे कैसा लगता है खाने का स्वाद, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का रिव्यू देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा फंक्शन है यहाँ पर सब सिस्टम, तो चलिए बताते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने अपना खाना ख़त्म किया है, यह देखिए खाना एक नंबर था, टेस्टी था, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, आइए खाइए, मज़ा आएगा खाना खाने में, बेस्ट है ये। आपको पटना बाज़ार समिति मेन गेट से राइट हो जाइए, और कहाँ बता दें आपको, हाँ राइट होने के बाद आपको ये ट्रांसफार्म के साइड में मिल जाएगा, ये ट्रांसफार्म के दर पीछे वाले गली में ये है, आप आके खा के देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको।